खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। हबसे पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच अवारानी ने अपने अखबारी बयान में कहा कि बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मौजूदा वजीर आला बलूचिस्तान के पास हुकूमत चलाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं। मोहसिन जब से इक्तदार की सीट पर बैठे हैं अब तक अवामी मसाइल के साथ साथ तरक्याती काम के हवाले से कोई भी इकदामात नहीं किए। जो इंसान अपने ज़िले को संभाल नहीं सकता वो और ज़िले बनाने की बातें कर रहा है। ऐसे इंसान को वज़ीर आला के इक्तदार हाथ में दिया है जिसको ये मालूम नहीं कि सूबे को किस तरह चलाया जा सकता है। आए रोज़ आवाम अपने हकूक़ हासिल करने के लिए सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं, लेकिन अफसोस वज़ीर आला बलूचिस्तान अवामी मसाइल हल करने के बजाय अपने सीट इक्तदार को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लिस्बेला एक पुरअमन ज़िला है जिसकी तकसीम काबिले मुज़म्मत है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल हमीद मक्सी।